हेलो भाइयों, मैं सुखकर और आपका स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो भाइयों, आज मेरे पीछे आप खरीदे गए होंगे टाटा पंच या बिन्यू भी हमारे। तो भाइयों, इसका रिव्यू देंगे और डिलीवरी वीडियो का मजा नहीं पाएगी क्योंकि हमारा मोबाइल इस टाइम पे आया नहीं था। तो आप देख सकते हैं लुक, पहले सबसे पहले टाटा का लोगो और इसका पूरा रिव्यू देंगे। उससे पहले दिखाते हैं आपको चाबी। तो भाइयों, दिखाते हैं पहले चाबी। ऐसे कुछ मिल दिया भाइयों चाबी, देखो ये टाटा की ये, और आपको पूरा इसका प्रॉपर रिव्यू देंगे। तो भाई, सबसे पहले टायर की बात करते हैं, टायर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारी वीडियो टायर से स्टार्ट करते हैं और फ्लैश जला लेते हैं मोबाइल का। तो भाइयों, यहाँ पे मिलते हैं सीएट के टायर, और इसके साइज की बात करें, साइज मिलता है इसमें 185/70 R15 इंच का मिलता है इसमें टायर, और चौड़ाई है इसकी 185 और ये है इसमें 70 साइड वॉल इसकी। और भाई, स्टील रिम्स मिलते हैं, वो तो व्हील कैप तो एक्सेसरीज का पार्ट है, लगवा सकते हैं ये। और भाई, पीछे से बात करते हैं पहले लुक की। टाटा का लोगो पीछे यहाँ पे लिखा मिलता है पंच, सुजुकी की तरह इधर साइड में कुछ नहीं लिखा मिलता, यहाँ पे बीच में लिखा मिलता है पंच। और ये हमारी आई सीएनजी है, सीएनजी में आए टाटा की, जो टाटा की फेमस गाड़ी अब आ रही है, मतलब सब में सीएनजी आने लग रही है अब तो। देखो यहाँ पे इसका वोकल लोकल का स्टीकर, यहाँ पे ऐसी कुछ मिलती है, ऐसे में टेल लाइट रेस अभी बंदी कर देते हैं, अंदर जाके ऑन करेंगे। तो भाई, ऐसी कुछ मिलती है टेल लाइट, देखो काफ़ी अच्छी लुक यहाँ पे। और यहाँ पे मिलते हैं इसमें रिफ्लेक्टर, देखो वैसे जलते नहीं बट रिफ्लेक्टर, ये रात में जब और की लाइट लगती है जब जलते हैं, मतलब और व्हीकल्स की। और यहाँ पे मिलती है इसमें ब्रेक लाइट नीचे और ऊपर भी, दोनों साइड मिलती है ऊपर नीचे। और नंबर प्लेट नंबर तो अभी आया नहीं भाई इसका, और देख सकते हैं आप। और मोबाइल की वजह से हमने वैगनआर की डिलीवरी में तो हम चले गए थे, वो वीडियो तो हमने दूसरे मोबाइल से बना दी थी, बट इसमें मोबाइल ये मेरा आया नहीं था तब तक। तो भाई, और आईफोन ख़राब हो रखा है तो डिलीवरी की वीडियो तो बना नहीं पाए थे, बट घर पर तो वीडियो बना ही लेंगे। तो भाई, देख सकते हैं आप, और ऐसी कुछ लुक। पहले पीछे से दिखा दिया, अब आगे से बात करते हैं इसकी। ये मिल सबसे पहले रिबन मिलता है श्रीवासु ऑटोमोबाइल्स, ये तो एजेंसी का नाम होता है यहाँ पे, देखो। तो भाई, सबसे पहले मिरर पे यहाँ पे सीएनजी में है, आगे पीछे सीएनजी का स्टिकर मिलता ही है, ये फास्ट टैग। और बात करते हैं यहाँ से लुक की, आगे से देखो ऐसी कुछ ब्रॉड लुक मिलती है, काफ़ी बिग, क्योंकि टाटा की सभी गाड़ियों में लगभग सेम लुक मिलती है। नेक्सॉन ले लो, हेरियर ले लो, सफारी और ये पंच, सब में सेम लुक मिलती है आगे से, ब्रॉड काफ़ी बड़ी बड़ी। और यहाँ पे मिलती है इसमें हेडलाइट, देखो हेलोजन बल्ब मिलता है इसमें। और ये मिलते हैं यहाँ पे इंडिकेटर, देखो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। और ये अभी मत सोचना ईवी जैसी ये है मतलब, बट भाई, टाटा की सभी गाड़ियों में ईवी जैसी, ईवी में तो मिलती है ऐसी ग्रिल, बट इनमें भी ऐसी देने लगे हैं अब। और यहाँ पे मिलता है इसमें ओरन, देखो ओरन की आवाज़ आपको चेक कराएंगे, ये इसमें टाटा का लोगो देख सकते हैं। और अंदर देखो, मैं इधर से दिखा दूँ कितना बिग रेडिएटर लग रखा है, और ये भी अंदर से लुक दे रखा है क्योंकि ये सिल्वर कलर का है। और इसमें देखो हवा पास के लिए, एयर पास के लिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे ग्रिल मिलती है, और ये अंदर से बिल्कुल अच्छी लुक दे रहा है काफ़ी, ये देख सकते हैं आप ये। और भाई देखो, यहाँ से भी एयर पास का है सिस्टम, मैं फ्लैश जला के दिखा देता हूँ, देखो फ्लैश जला ही देते हैं। तो देखो भाइयों, और ये मिलते हैं इसमें, ये तो अलग से लगवा सकते हैं हम फॉग लाइट, ये तो अलग से मतलब कुछ भी लगवा लो, जो कंपनी की तरफ से आता है वो दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे ये अच्छी बात है, इसके जो साइड मिरर्स हैं इनमें इंडिकेटर मिलते हैं, यहाँ पे फेंडर पे नहीं मिलते, अच्छी बात है, इससे थोड़ी सी लुक आ जाती है गाड़ी की। ये यहाँ पे मिलते हैं इसके इंडिकेटर, टर्निंग वाले हैं इंडिकेटर, और देख सकते हैं साइड लुक, ये रिबन वगैरह लगे हैं। दिखाते हैं आपको अंदर से लुक इसकी प्रॉपर, ये खुली भाइयों, और पीछे भी दिखाएंगे, पहले यहाँ से दिखाते हैं। सबसे पहले देखो इस डोर की साइड ही आ जाते हैं, यहाँ पे भाइयों देखो ये डोर हैंडल मिलते हैं ऐसे, और ये पावर विंडो के कंट्रोल देखो, और यहाँ पे स्पीकर मिलते हैं इसमें टाटा में। और एक भाई, मैं आपके लिए सवाल छोड़ता हूँ कि टाटा की गाड़ी में कहीं के स्पीकर आते हैं, सभी भाइयों को पता होगा वैसे, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना जिसको नॉलेज हो। देखो भाई, यहाँ पर बोटल होल्डर मिलता है यहाँ से, देखो और बोटल का यहाँ पर साइन भी बना है कि कैसे बोटल जानी है, देखो ऐसे जाएगी, यहाँ पर स्पेस, और यहाँ पर भी स्पेस मिलता है, और ये वाला भी काफ़ी स्पेस है इसमें, यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे भाइयों मिलते हैं इसमें ट्यूटर, देखो, और यहाँ पे भी ट्यूटर मिलते हैं, देख सकते हैं आप,
ऐसा कुछ मिलता है स्टेयरिंग व्हील, इसकी बात बाद में करेंगे। पहले यहाँ पे देखो इसका मिरर, फ्लैश को ऑफ कर लेते हैं। देखो भाइयों यहाँ पे कुछ इसके फीचर वगैरह, ये देखो यहाँ पे इसकी लाइट, देखो यहाँ से होगी बंद। ये यहाँ पे इसके कंट्रोल है, जब ये मतलब डोर बंद होगी दिखाऊंगा आपको एक बार। जैसे कि डोर बंद हो गई, ये आप देख सकते हैं डोर बंद होए पे जल रही है ये। तो इसके एक तो कंट्रोल वगैरह का हिसाब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ मिलते हैं इसके। देखो सनवाइजर्स, देखो एयरबैग वगैरह के यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, देखो आप देख सकते हैं। और पहले आपको पूरे इसकी लुक दिखा दूँ, अल्ट्रा वाइड में नहीं कर रहा क्योंकि फिर ये वीडियो अनकट नहीं बनती, फिर बाद में एडिटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो जो अल्ट्रा वाइड में बनाते हैं वीडियो, तो फिर एंड्रॉयड में ये होता है मतलब स्विच नहीं कर सकते बीच में, यहाँ से 2x 1x कर सकते हैं बट अल्ट्रा वाइड में नहीं कर सकते। तो भाई वैसे ही बना देंगे वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे भाई इसके एसी वेंट्स मिलते हैं, ये ऐसा कुछ सारे अच्छे लुक में काफ़ी। ये और ये इसके यहाँ पे 1000 इंडिकेटर्स ऐसे कुछ जलेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पे इसके एसी वगैरह कंट्रोल सारे, ये आप देख सकते हैं। ये गियर मिलता है इसमें, देखो भाइयों 1 2 3 4 5 6 गियर मिलते हैं, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है, ये देख सकते हैं। और स्टीरियो अभी इसमें आया नहीं, वो तो कंपनी की तरफ से हम लगवा सकते हैं, यहाँ यहाँ पर भी लगवा सकते हैं और यहाँ पर भी। ये बेस मॉडल है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ। यहाँ पे भाइयों हैंड ब्रेक मिलता है इसका, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, ये चार्जिंग सॉकेट लगवा सकते हैं यहाँ पे। और भाइयों ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, इससे सस्ती कोई नहीं मिल सकती। और क्योंकि सस्ती तो है नहीं काफ़ी, क्योंकि सस्ती तो एल्टो वगैरह ये आती हैं, बट भाइयों जिस रेट में ये आती है उस रेट में तो ये बिल्कुल अच्छी है, इसकी टक्कर में कोई गाड़ी नहीं है। और टाटा की बिल्ड क्वालिटी तो हम भूल नहीं सकते, इसमें 5 स्टार आते हैं, 5 स्टार की रेटिंग। कोई भी गाड़ी टाटा की ऐसी नहीं है कि उसमें बैठ के हमें घबराहट होगी। देखो भाइयों यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है इसमें, बूट स्पेस नहीं ये ग्लव बॉक्स मिलता है। और भाइयों यहाँ पे भी स्पेस मिलता है ऊपर, ये बंद कर देते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं पहले ये सीट पर, तो अभी ये हम परसों ही लाए थे गाड़ी, तो ये देख सकते हैं आप इसके कंट्रोल वगैरह सारे। यहाँ पे पावर विंडो के और ये डोर हैंडल, ये सीट बेल्ट वगैरह सारी, और पन्नी वगैरह भी कंप्लीट लगी है। और भाई ये हमारी चाबी, इसको लगाते हैं, हम दिखाते हैं आपको लगा के। यहाँ पे लग जाएगी चाबी, दिखाऊंगा एक बार, एक हाथ से मोबाइल नहीं चलता, कैमरा देखो लगाते ही इसमें वो आ गई कंट्रोल, देखो आपने देखा ये इसमें आ चुके हैं। और एक बार ये ऑन ऑफ करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है इसका स्टेयरिंग व्हील। और ये इसमें सारे कंट्रोल वगैरह, यहाँ पे सीएनजी का और ये इंजन लाइट वगैरह, तो ये मतलब भाई सब में ऐसा ही होता है, जब इग्निशन पे रहती है तब तो ये बंद हो जाती है, मतलब तब तो ये ऑन रहती है, जब स्टार्ट होती है गाड़ी तब हो जाती है बंद 2-3 सेकंड के बाद ही। यहाँ पे बैटरी का साइन और ये इसमें किलोमीटर वगैरह, देखो यहाँ पे किलोमीटर टाइम वगैरह। और यहाँ पे फ्यूल सीएनजी की फ्यूल ये मिलते हैं, सीट बेल्ट का इंडिकेटर, यहाँ से इंडिकेटर के ये मिलते हैं यहाँ से ऐसे, ये लेफ्ट राइट में जब चलेंगे ये। और यहाँ पे साइड दिखाएगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके इंडिकेटर वगैरह, ये देख सकते हैं आप, ये ऐसी कुछ मिलती है इसकी हेडलाइट, जैसे कि आपने आगे देखा ये इसका जो हेडलाइट बजाएंगे, इसका काफ़ी अच्छा थ्रो है, देखो काफ़ी दूर तक थ्रो है इसका हेडलाइट का। और ये इसके वेंट्स, यहाँ पे सारे कंट्रोल वगैरह मिलते हैं, देखो भाइयों ये तो सिंपल मिलते हैं ये तो। देखो इसमें यहाँ पे इसके वाइपर वगैरह के, ये यहाँ पे इंडिकेटर्स के और हेडलाइट के, यहाँ पे सारे कंट्रोल, देखो जब ये जलाएंगे हेडलाइट जल जाएगी इस वाले से, जो ये वाला कंट्रोल है इसमें। और यहाँ पे मिलते हैं हॉर्न वगैरह, ये हॉर्न आपको सुनाएंगे लास्ट में। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारा एसी तो चला नहीं, मतलब फैन चल रखा है, ये बंद कर देते हैं अभी तो बंद। ये देखो यहाँ से कंट्रोल वगैरह सारे, 4 पर हो गया, अब ये बंद कर देते हैं बिल्कुल ये। और इसमें काफ़ी लग्जरी कंट्रोल लग रहे हैं ये देखो, वैसे तो बटन आते हैं सब गाड़ियों में, मतलब इस रेट की आती हैं जो वैगनार वगैरह, बट इसमें देखो काफ़ी लग्जेरियस फील हो रहा है। देखो यहाँ से टेक्सचर बटन का, देखो
कितने अच्छी तरह लगा रखे हैं बटन। और ये एसी का देखो भाइयों, ये देख सकते हैं आप प्रॉपर। और यहाँ पे सीएनजी में स्विच करने का देखो, अब तो पेट्रोल पर लग गई, एक स्विच में सीएनजी पर, ये देख सकते हैं आप। और पीछे भी लेकर चलेंगे, पहले यहाँ पे देख लिया आपने, काफ़ी स्पेस मिलता है मैट वगैरह। और दिखाते हैं आपको प्रॉपर, और पहले अब सुनाते हैं और साउंड, क्योंकि जो मैं अंदर से सुनाता तो इतनी खास नहीं आती, तो आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। एक दो रुक जाओ, एक दो तीन, देखो काफ़ी लाउड हॉर्न है, देखो आपने सुना। और चलते हैं एक बार पीछे लेके। और एक चीज़ और, काफ़ी अच्छी रिंग लाइट मिलती है देखो यहाँ पे, क्योंकि भाई जो चाबी लगाएंगे हम, और उसमें रात को लगाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत बार ये दिखती नहीं है उसमें बहुत बार। और ये देख सकते हैं आप, और ये इसके पेडल वगैरह मिलते हैं, ये तो भाई सेम मिलते हैं। ये थ्रोटल का मतलब रेस का थ्रोटल तो बाइक में होता है, ये एक्सीलेटर का, ये ब्रेक, ये क्लच। और भाई एक अच्छी बात और है, डेड पेडल मिलता है ये, इससे हमारी क्लच प्लेट की मतलब जो एज रहती है वो अच्छी रहती है, जल्दी ख़राब नहीं होती क्लच प्लेट। इसको कर देते हैं पहले बंद, ये आपने देखा, खोलते हैं पीछे। और ये अच्छी बात है देखो, यहाँ से खुलती है पीछे से, ये आपने देखा, इसमें यहाँ पे मिलता है खोलने का, देखो ये यहाँ से खुलती है। और ये इसमें प्रॉपर ऐसा कुछ मिलता है सारा प्रॉपर। और चलते हैं एक बार अंदर लेके, अंदर भी काफ़ी स्पेस मिलता है, देखो मैं कितने आराम से बैठा हूँ। और मेरी 5, 9 या 10 के करीब हाइट होगी, इतनी लगभग, शायद कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी। तो भाइयों देखो काफ़ी स्पेस है इसमें, देखो हेड स्पेस कितना मिलता है, हेड रूम। और भाई यहाँ पे देखो ये हैंड गार्ड, देखो ये हैंडल मिलते हैं, अगली साइड को ही साइड नहीं मिलते, देखो पीछे मिलते हैं, और आगे तो सेफ नहीं होता जो हैंडल लगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे ड्राइवर को ड्राइवर साइड नहीं मिलते, अच्छी बात है। और यहाँ पे पीछे मिलते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे मिलते हैं मैनुअल अप डाउन वाले, पावर विंडो नहीं मिलती पीछे साइड, बट कोई बात नहीं। और ये इसके डोर हैंडल वगैरह प्रॉपर, और काफ़ी स्पेस है पीछे की साइड, और आगे भी आगे देखो सीट, यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे आगे सीट हो रखी है, बट इसका भी जो मैं यहाँ भी रखूँगा ये पीछे होगी, यहाँ फिर भी काफ़ी स्पेस है। और हेड रूम भी काफ़ी है इसका, और ये मिलती है ऐसे कुछ स्पेस प्रॉपर। और पीछे बूट में दिखा दें, ऐसा कुछ मिलता है बूट, देखो काफ़ी बूट स्पेस मिलता है इसमें, सीएनजी का सिलेंडर, क्योंकि इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे की तरफ मिलता है, इसे खोल के ये देख सकते हैं आप। और भाइयों ये आपने देखी प्रॉपर, यहाँ पे सीट बेल्ट वगैरह, यहाँ देखो गाड़ी, ये देख सकते हैं। और पीछे की तरफ भी स्पीकर मिलते हैं, ये स्पीकर और ट्यूटर दोनों साइड मिलते हैं, मतलब ट्यूटर स्पीकर, ये देख सकते हैं। और काफ़ी स्पेस है, मैं फिर भी कहना चाहूँगी टाटा की गाड़ी में भाइयों फीचर वगैरह और सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी मिलती है। इसको कर देते हैं बंद, यहाँ पे बोतल होल्डर पीछे मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वैसा स्पेस मिलता है, छोटी बोतल रख सकते हैं हम। इसको करते हैं बंद और दिखाते हैं आपको, देखो ये जो मतलब सीट बेल्ट वाली आवाज़ होती है टूं टूं, ये आपने देखा, इसको कर देते हैं बंद अब। सो फ्रेंड्स करते हैं देखो, और एक बार खोलते हैं फिर से, यहाँ से कर लगाते हैं इसका लॉक, ये लग गया, और अब हो जाएगी ये बंद, ये तो भाई एक बार कर लेते हैं उसको बंद करके, और मिलते हैं तो भाई तो कर लेंगे। तो भाई लास्ट में करना चाहता हूँ आपको, ये हमारी गाड़ी कैसी लगी, और इसके बारे में और जानकारी के लिए कमेंट कर देना, और आपको और कोई वीडियो चाहिए इस पर ये भी आप कमेंट कर देना भाइयों। सो फ्रेंड्स देखो ये इसमें लॉक के मतलब मुश्किल से 10-15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है लाइट। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप प्रॉपर गाड़ी की लुक, और अभी काफ़ी नाइट रात यहाँ पर अंधेरा है क्योंकि गाड़ी दिख रहे ऐसे, और वैसे अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और थंबनेल तो मैं इसके सुबह ही ले लिए थे देखो,
सो फ्रेंड्स, आपने गाड़ी देखी और आपको आई हो बिल्कुल अच्छी लगी हुई गाड़ी और वीडियो, तो आप कमेंट कर देना। तो भाई ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।